हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरची एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी कंटिन्यू यूनिट नंबर 3 पार्ट ए कार्बोनिल कंपाउंड। इन दिस ऑलरेडी वी सी टाइप ऑफ मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड मेथड्स। टुडे वी स्टडी लास्ट मेथड टाइप थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड के साथ में अपन सेकंड टाइप पढ़ा था। अब थर्ड है ओनली कीटोन्स, किसका फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स, ओनली कीटोन्स का। तो आज जो अपन मेथड पढ़ने वाले इसमें ओनली कीटोन्स का फॉर्मेशन करने की मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें तो इसका एक मेथड है अपने पास में, वो है फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड जो होते हैं उनसे कैसे बनाते हैं, ये आपके पास में क्या है, एसिड हैलाइड है और एसिड हैलाइड है उसको अपन यहाँ पर यूज करते हैं। एसिड हैलाइड का सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक रेजेंट यूज करते हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा जीआर ग्रिन्यार रेजेंट, इसको यूज करते हैं ग्रिन्यार रेजेंट। ये मोर रिएक्टिव होता है, इसका फॉर्मूला क्या है RMgX, ये क्या है ग्रिन्यार रेजेंट। एक है CTCl2, ये क्या है कैडमियम डाई क्लोराइड है, और कैडमियम डाइक्लोराइड में हम देखें तो मेटल कौन सी कैडमियम है, ये भी कैटलिस्ट की तरह काम आती है जस्ट लाइक मैग्नीशियम की तरह। यहाँ पर अपने पास जो बनने वाला है वो है डाई एल्काइल कैडमियम, क्या है अपने पास में डाई एल्काइल कैडमियम है, और ये जस्ट लाइक है वैसे ही फंक्शन करता है जैसे कौन करता है, जैसे RMgS ग्रिन्यार रेजेंट फंक्शन करता है वैसे फंक्शन किसका है R2CD डाई एल्काइल कैडमियम का है। और डाई एल्काइल कैडमियम जो होता है किससे रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है एसिड हैलाइड से। किससे रिएक्शन करेगा एसिड हैलाइड, ये वाला क्या है एसिड हैलाइड है, और एसिड हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे अपन R2CD यानी डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन अपन कराएंगे। तो डाई एल्काइल कैडमियम जो होता है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन करने के बाद ये वाला किसका फॉर्मेशन करता है, इस वाले में R से डबल बॉन्ड हो ये वाला ग्रुप यहाँ से हट जाता है, जैसे बॉन्ड यहाँ से हटते हैं एक R ग्रुप यहाँ से आता है उससे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ से जुड़ते हैं तो ये अपने पास में जो कंपाउंड बन गया स्टूडेंट्स, ये वाला क्या है कीटोन, क्या है ये कीटोन, R से डबल बॉन्ड हो R क्या है कीटोन। और किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओनली कीटोन के फॉर्मेशन की मेथड की बात कर रहे हैं, कीटोन का फॉर्मेशन होता कैसे। ये फर्स्ट वाला मेथड अपन ने यूज किया कौन सा फ्रॉम एसिड हैलाइड्स की, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। ये तो था अपना फर्स्ट वाला मेथड। सेकंड जो मेथड है ओपन इसमें बात करने वाले हैं वो भी कीटोन का फॉर्मेशन ही करता है। तो कौन से वाला मेथड है वो, सेकंड और लास्ट मेथड है जो ओनली कीटोन का फॉर्मेशन करता है। देखिए किससे बनाएंगे उसको, ये जो अपन फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स वो है फ्रॉम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, कहाँ से करेंगे, सेकंड मेथड अपने पास में है कीटोन बनाने का फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, वाया हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे किसका, फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। देखिए कैसे बनता है, एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या स्टूडेंट्स एसिटो एसिटिक एस्टर, क्या ये एसिटो एसिटिक एस्टर, ये अपन ने क्या बनाया ACAC कंपाउंड बनाए एसिटो एसिटिक एस्टर है। इस वाले का क्या करवाना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O से रिएक्शन करानी है, किससे करानी है H2O से रिएक्शन इसकी करानी है। H2O से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा हाइड्रोलाइसिस वो अपन देखने वाले। इसमें यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, कौन सा वाला एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसमें यूज किया जाता है। और जैसे अपन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर यूज करते हैं तो दो टाइप के कंपाउंड यहाँ से बनते हैं। देखो इस वाले कंपाउंड में देखें तो पोटेशियम आयन है यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और इस वाले के अंदर देखें तो बॉन्ड ब्रेकिंग अपन कहाँ से करने वाले, दो टाइप से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, या तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये एक बॉन्ड अपन यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, दैट मीन्स दो टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। सी डबल बॉन्ड ग्रुप यहाँ से निकल जाए और सी डबल बॉन्ड ग्रुप, दैट मीन्स देखो क्या बच रहा है यहाँ पे,
सी डबल कोण लघुगणक के पास में यहाँ से बच गया है, डेट मीन्स इधर वाले पार्ट में उधर वाले पार्ट में दोनों में देखें तो क्या बच रहा है अपने पास, सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ पर भी क्या सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप, दो ग्रुप बच गए। इन दोनों पार्ट्स में अपन देखें तो एक पार्ट में देखो क्या बच रहा है, सी एच थ्री सी डबल कोण ओ सी एच थ्री सी डबल कोण ओ सॉरी सी एच थ्री सॉरी गलत बना दिया, देखना एक बार। तो अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये है अपने पास में सॉरी एसिटिक एसिटिक एस्टर, क्या है ये फ्रॉम एसिटिक एसिटिक एस्टर, ओके ये वाला था अपने पास में कंपाउंड सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। इसकी अपन रिएक्शन करा रहे थे एक्वस एओएच से, जैसे ऐसे रिएक्शन करा रहे स्टूडेंट दो टाइप से अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ तो मेरे पास में सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ग्रुप, और अगर मैं इस वाले को यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ देखो क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास में बच गया स्टूडेंट सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या है मेरे पास में सी एस थ्री, ओके ये तो आपका हो गया किटॉन। और इस वाले पार्ट में आप देखिए यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड ओ यानी सी ओ टू पार्ट, और यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूँ किसको पोटेशियम आयन को तो मेरे पास में किसका फॉर्मेशन जाएगा K2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, डेट मीन्स पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं इस वाले के कितने मोल यूज कर लूँ स्टूडेंट्स, दो मोल यहाँ पर यूज कर लेता हूँ तो मेरे पास में इसके भी कितने मोल मिल जाएंगे, दो मोल आपको मिल जाएंगे। डेट मीन्स इस वाले में बनने वाला जो अपने पास में कंपाउंड है वो कौन सा कहलाता है एसीटॉन, क्या बनेगा एसीटॉन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ओके तो ये एसीटॉन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एसीटॉन फॉर्मेशन करने के लिए इसको यूज करते हैं फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर, ये अपने पास में एसिटो एसिटिक एस्टर, रिएक्शन किससे कराओ एक्वस केओएच की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस हो गया, हाइड्रोलाइसिस होने से किसका फॉर्मेशन हो गया कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है और पोटेशियम कार्बोनेट आपको रिमेनिंग पार्ट मिल जाता है। ये अपन ने पढ़ा स्टूडेंट क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, एक तो कहाँ से हो गया, एक तो अपन ने रिएक्शन कराई किससे कैडमियम मेटल्स के साथ में इसकी एसाइल हैलाइड की, दूसरा मेथड अपन ने कौन सा यूज किया, दूसरा मेथड अपन ने यूज किया है कौन से वाला प्रिपरेशन एसिटिक एस्टर से, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया तो अपने क्या मिल गया यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये दो मेथड थी, इसी मेथड के साथ अपन ने कंप्लीट कर लिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी मेथड थी टोटल अपन ने देखा स्टार्टिंग में टाइप फर्स्ट में देखा था सात रिएक्शन दिखती थी सात रिएक्शन थी, उसके बाद अपन ने दो एल्डिहाइड बनाने की दो मेथड पढ़ी है और दो मेथड अपन ने पढ़ी किसकी कीटोन बनाने की मेथड पढ़ी है, टोटल अपन ने 11 केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है में काम आती है। कार्बोनाइल कंपाउंडों के बनाने की अपन ने टोटल 11 मेथड स्टडी कर दिए, ओके 11 अपन ने स्टडी कर लिए। अब जो अपन बात करने वाले नेक्स्ट वाले के अंदर रहेगा अपना क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कार्बोनाइल कंपाउंडों की, उनका अपन डिस्क्राइब रूप से स्टडी करने वाले हैं, ओके तो कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, आरसी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेज हैं वो कंटिन्यू हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो आपको लेटेस्ट वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, ओके थैंक यू।